सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अपडेट ज्ञान। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गाइज प्रमोट कराने से पहले, अपना चैनल को प्रमोट कराने से पहले हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अधिकतर बार ऐसा करते हैं कि उन बातों का ध्यान ना रखते हुए हम लोग चैनल को प्रमोट करा लेते हैं, जिसके कारण कि कोई आउटपुट हम लोग को नहीं देखने को मिलता अपना चैनल में। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज से प्रमोट कराओ, वो मैटर नहीं करता कि आप किसी यूट्यूबर से अपना चैनल प्रमोट करा रहे हो या फिर किसी गूगल एडवर्ड्स ये सब जो आ गए हैं अभी मार्केट में उस सब से प्रमोट करा रहे हो। आप किसी भी चीज से प्रमोट कराओ या फिर कहीं से भी आप प्रमोट कराओ, बट आप लोग को कुछ चीज का ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण अगर हम लोग वो सब चीज को ध्यान नहीं रखते हैं तो हम लोग का कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस, आज का वीडियो में हम वही सब आप लोग को बताएंगे कि प्रमोट के कारण, मतलब प्रमोट कराने से पहले क्या चीज ध्यान रखें कि ताकि हम लोग का चैनल थोड़ा सा बड़ा हो सके। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो में बताते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, फर्स्ट बात क्या हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हम लोग किसी भी चीज से प्रमोट कराते हैं, आजकल तो गूगल एडवर्ड्स जैसे आ गया, अभी मार्केट में बहुत ही ज्यादा चल रहा है कि गूगल एडवर्ड्स से सब प्रमोट कराते हैं। पर गाइस देखिए, अगर आपके चैनल फर्स्ट गलती तो आप लोग का क्या रहता है, आप लोग नया चैनल बनाते हो। ठीक है, जैसे आपका कितना दिन हो रहा है वो मैटर नहीं करता, आपका चैनल आज बनाए हो या कल बनाए हो या 10 दिन पहले, 20 दिन पहले या 2 साल पहले, बट गाइज आपके चैनल पर वीडियो कितना है वो मैटर करता है। क्यों? देखिए, अगर आप अपने चैनल को प्रमोट कराते हो और अगर आपके चैनल पर वीडियो कम है तो क्या होगा, वो आएंगे जैसे पब्लिक या फिर ऑडियंस आएंगे आपके चैनल में, और आपके चैनल में 6-7 वीडियो है, ज़्यादा वीडियो है ही नहीं, तो क्या होगा वो 6-7 वीडियो को देख लेगा तो उससे आपका वॉच टाइम कितना बनेगा, ऐसे 5-10 मिनट बन गया, वही 6-7 वीडियो से वॉच टाइम आपका बम बनेगा, वॉच टाइम मतलब उससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। और अगर आपके वीडियो, और गाइस देखिए ये फायदा क्या होता, आप अपने चैनल पर कम से कम 30 से 40 वीडियो रखिए, इससे क्या फायदा होगा, वो अगर आपके ऑडियंस अगर आपके चैनल पर आते हैं तो वो आएंगे, और जब वो आपका वीडियो एक आध वीडियो देख लिए, ठीक है, तो उसका बाद फिर आपका जो पीछे वाला मतलब 30-40 वीडियो जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो वीडियो अब उसके सजेस्टेड में जाएंगे, तो अब क्या होगा, वो आपका एक वीडियो अगर देखा उनको अगर अच्छा लगा तो वो आपके सजेस्टेड वीडियो भी देखेंगे, बाद में देखेंगे, अगर तुरंत नहीं देखे तो 2 दिन बाद देखेंगे, 3 दिन बाद देखेंगे, बट वो आपका वीडियो देख कर ही जाएंगे और आपको वॉच टाइम भी उससे देंगे, तो उससे फायदा होता है क्या आपका। देखिए, आप प्रमोट करा लेते हो चैनल गूगल एडवर्ड से या किसी भी चीज़ से, उससे आपको अगर आउटपुट अच्छा लेना है तो आप अपने चैनल पर वीडियो पहले ज्यादा अपलोड कर लीजिए, जैसे 50-60-30-40 अपलोड कर लीजिए, उसका बाद आप किसी से भी प्रमोट कराइए, कोई यूट्यूबर से या फिर कोई गूगल एडवर्ड से, ये सब से प्रमोट कराने से आपका वॉच टाइम अच्छा खासा उससे बन जाएगा, क्योंकि ऑडियंस आपका हर एक वीडियो को ऐसे सजेस्टेड में जाने से चेक कर लेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे प्रमोट करा लिया, उसका बाद आप अगर रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हो तो किसी ना किसी दिन तो ऐसा मिस्टेक हो ही जाता है जिस दिन आप वीडियो ना अपलोड कर पाओ, तो देखिए ढेर वीडियो रहने से क्या होगा, अगर आप किसी दिन वीडियो ना अपलोड कर पाओ तो दूसरा वीडियो सजेस्टेड में चलेगा, या फिर आपका पुराना वीडियो रहेगा तो आपका चैनल पे ढेर वीडियो रहेगा तो आपका वॉच टाइम भी अच्छा खासा बनेगा। होता क्या हम लोग का, हम लोग जैसे नया चैनल बना लेते उसका बाद सोचते कि कहीं से अगर हम लोग का वायरल हो जाता, कहीं से हम लोग का वीडियो फेसबुक व्हाट्सअप, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, आप लोग का ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद परेशान रहता था जब मैं शुरुआत में वीडियो बनाता था, व्हाट्सअप फेसबुक या फिर सब और सब जो आप लोग बोलते हो, ये देखिए मना नहीं मैं करूँगा, लेकिन सब और सब सब करते हैं, ये अच्छा नहीं है ख़राब है वो मैं किसी दिन बता दूंगा उससे क्या होता है, बट गाइज सब और सब मैं भी करता था, एक टाइम मेरा भी ऐसा था। और गाइज ये जो फेसबुक व्हाट्सअप ये सब शेयर करना, दोस्तों को बोलना, ये सब सब करते हैं, मैं भी करता था। तो गाइज हम लोग जब नया चैनल बनाते हैं तो सबको लगता कि काश हम लोग का वीडियो वायरल हो जाता और हम लोग का चैनल अच्छा खासा चलने लगता, ऐसा होता। तो गाइज देखिए आप लोग गलती क्या करते हो, एक तो गलती करते हो आप लोग वीडियो ढेर नहीं डालते हो, अपलोड नहीं करते हो, और दूसरा गलती आप लोग का चैनल नया रहता है और आप लोग वीडियो उसमें कम अपलोड नहीं किए बिना बोलते हो कि प्रमोट अगर हो जाता तो मेरा चैनल चल जाता। तो गाइज ऐसा बात नहीं है, आप पहले मेहनत करके अपना वीडियो 2-4 बना के रखिए, आप मेहनत अच्छा क्वालिटी नहीं है आपके पास, जैसा कैमरा है जैसा फोन है वैसा ही क्वालिटी बना के रखिए, पर आप अगर 30-40 वीडियो अपलोड करके रखते हो तो उसमें आपका अच्छा खासा वॉच टाइम बनेगा, ये मैं मतलब आप लोग को बता देता हूँ, आपका अच्छा खासा वॉच टाइम बन जाएगा अगर आप गूगल एडवर्ड से ही प्रमोट कराते हो तो। पर भी गाइज देखिए, गूगल एडवर्ड से अधिकतर बार क्या होता है, आप लोग मुझे मैसेज में बोलते हो कि भाई प्रमोट करा लिया बट उसमें सिर्फ व्यूज आ रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइबर की तो बात ही मत करो, नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो गाइज आपको ऐसा नहीं करना है, गूगल एडवर्ड्स पे तुरंत ही नहीं करना है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका वीडियो में 1-2 ऐसा है कि हो जाएगा मेरा गूगल एडवर्ड्स से, तभी जाकर कीजिए। और आपके चैनल में अगर ज़्यादा वीडियो है, मैं
बार बार बोल देता हूँ, तभी आप किसी भी चीज से प्रमोट कराइए, या फिर कोई यूट्यूबर से या फिर गूगल एडवर्ड से कहीं से भी कराइए, बट आपके चैनल में पहले थोड़ा ज्यादा मात्रा में वीडियो कर लीजिए, ताकि आपका जो होगा वो वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए और आपका सब्सक्राइबर तो ऐसे भी कंप्लीट हो ही जाते हैं, सबके अधिकतर के हो जाते हैं, कुछ कुछ के ऐसे लटक जाते हैं प्रमोट के बावजूद भी, 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, ठीक है। और गाइस देखिए, हम लोग और एक गलती क्या करते हैं, जैसे हम लोग का चैनल किसी ने प्रमोट कर दिया, ठीक है, कोई किसी ने भी प्रमोट कर दिया, आप किसी से भी प्रमोट करा रहे हो, तो हम लोग का चैनल प्रमोट होने के बाद क्या होता जानते हो, हम लोग का चैनल में एक ट्रैफिक पकड़ लेता है, कि मतलब तुरंत जो ग्रोथ बोलता है वो प्रमोट से ही होता है, प्रमोट करने से ही हम लोग का चैनल में तुरंत ग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ आ जाता है। ऐसे तो आप अगर धीरे धीरे मेहनत कर करके करोगे तो उतना जल्दी ग्रोथ नहीं होता, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल वालों का होता है, मेरा खुद के साथ हुआ है, एक चैनल का तुरंत ग्रोथ आपका नहीं होता, बट गाइस अगर आप लोग प्रमोट करा रहे हो तो ये एक बात ध्यान रख लेना कि प्रमोट जैसे ही आपका हो गया चैनल, अब आप कोशिश करो कि आपके ऑडियंस को क्वालिटी के साथ थोड़ा सा, और आप रेगुलर वीडियो डालने का कोशिश करो, इससे क्या होगा आपके वीडियो में ट्रैफिक जो पकड़ लेता ना, वो आपके बहुत ही अच्छा व्यूज दे जाते हैं आपके वीडियो में, उससे क्या होता ऑडियंस भी देखते हैं कि चलो इस बंदे के क्वालिटी तो दे ही रहा वीडियो में, साथ साथ ये हमें रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि देखिए गाइस रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराना बहुत ही कठिन होता है, जो कि अगर वो आप कर सकते हो तब तो फिर आपका चैनल अच्छा से आप टिका पाओगे। तो गाइज ये एक दो बात आप ध्यान रख लेना, तभी जाकर आप प्रमोट कराना। नंबर वन गाइज, एक तो आप अपना न्यू चैनल पर प्रमोट कराना मत सोचिए, पहले आप अपने वीडियो पर ध्यान दीजिए और बनाते जाइए, अगर आपसे हो सकता है तब फिर क्यों कराइएगा, प्रमोट अपने से ही हो जाएगा। दूसरा बात कि अपने चैनल पर वीडियो ढेर रखिए, देखिए वीडियो ज़्यादा रहने से क्या होता है, अपने चैनल में वॉच टाइम अच्छे खासे बन जाते हैं, और सजेस्टेड में जाने से ऑडियंस को भी लगता है चलो ये अच्छा अच्छा वीडियो बनाता है, और अगर आप दो चार दिन नई भी वीडियो डाल पाते हो तो आपका उसमें चल जाता है काम। और गाइस तीसरा कि आप रेगुलर वीडियो अगर प्रोवाइड करा सकते हो तब तो फिर आपका चैनल को कोई रोक ही नहीं सकता, उसमें मतलब इंप्रेशन रेट बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है और आपका चैनल बूस्ट पकड़ लेता है, क्योंकि तब उसमें ट्रैफिक पकड़ लेता है हम लोग का चैनल में, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो जाता है चैनल का। तो ये एक दो बात आप ध्यान रख लीजिएगा, उसी के बाद आप लोग प्रमोट कराइएगा तो आप लोग को कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा, वरना गाइस फिर आप लोग को आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा तो और आप लोग क्या डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे तब वीडियो में क्वालिटी ही नहीं है, मेरे अंदर में टैलेंट ही नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है, सबके अंदर में कुछ ना कुछ टैलेंट भगवान देकर ही भेजता है, भगवान ऐसे ही फ्री का किसी को नहीं बनाता है, सबके अंदर में कुछ ना कुछ देकर के ही भेजता है और सबके अंदर में टैलेंट होता है, आप लोग को कुछ देर लगता है बट गाइस सबसे होता है, ठीक है। तो आप लोग ये एक दो बात को ध्यान रखने का बाद आप लोग कीजिए, आप लोग का भी जरूर सक्सेस होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, अगर वीडियो को कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।